पॉलिसी के माध्यम से राजस्व लेखपाल का चयन हुआ था, जिसमें 8085 पद थे, लेकिन नियुक्ति 7897 पदों पर की गई। और आज भी ये जो अभ्यर्थी हैं वो अपने नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे क्या कुछ है मामला। आप लोग क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं शिवम सनानी, अलीगढ़ से आया हुआ हूँ जी। क्या मांगे हैं आप लोग, आज इकट्ठा हुए हैं हजारों की? सर, हमें 23 फरवरी को नियुक्ति देनी थी लेखपाल की, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया याचिकाकर्ताओं की वजह से, और वह भी सिर्फ किस वजह से कि क्वेश्चन खराब थे, उसका आंसर गलत था, जो भी जो डिसाइड हुआ वहाँ से आयोग से, और फिर हमें डेट पे डेट देते गए ये। ठीक है भैया, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। हैं ये भर्ती 2021 में सुनाई पड़ी, 2021 में अगस्त में पेट हुआ। पेट होने के बाद हम लोगों ने पहले पेट का इंतजार किया, पेट इंतजार करने के बाद दिसंबर में फॉर्म आया, दिसंबर में हम लोगों ने फॉर्म भरा। जुलाई 31 जुलाई 2022 को एग्जाम होता है, उसके बाद में आंसर की आती है, और आयोग की कमी की वजह आज बच्चे झेल रहे हैं। उन्होंने दो दो बार आंसर की रिवाइज की, उसके बाद भी कमियां रहीं, कमियां जो हों वो हम लोगों को स्वीकार है। उसके बाद में ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट में हम लोगों ने मिलजुल कर किसी तरह अपना केस लड़ा, केस लड़के खत्म हुआ। एक बार राजस्व पर्षद को सरकार ने ये आदेश दिया कि ये अपने स्वविवेक से निर्णय ले। हम लोगों को तहसील आवंटन हुआ, पहले मंडल आवंटन हुआ, फिर जिला आवंटन हुआ, फिर तहसील आवंटन हुआ। तहसील आवंटन के बाद में कुछ बच्चों को उनका हल्का भी आवंटन हो गया, हमारी मोहरे बन गई, हमारी डिस्ट्रिक्ट आईडी बन गई, हम लोगों ने क्षेत्र में जाके काम किया, वेतन भी आ गया। वेतन कुछ लोगों को जो उन्होंने खरीफ पड़ताल और रबी पड़ताल हो रही थी उन दिनों, एग्री स्टेक फीडिंग की पैसा भी आया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को रोजगार देकर रोजगार छीन कर हमको बेरोजगार पुनः कर दिया गया। और उसके बाद में केवल इसका एकमात्र कारण है कि सरकार द्वारा लचर फैरवी। कल एक केस था, उसमें केवल वकील को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भेजा जा रहा है। मतलब हम लोगों के मुद्दे को सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सरकार के अब अंग हो चुके हैं, राजस्व विभाग के अंग हैं। हमें धरने की जरूरत नहीं, हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। रिक्वेस्ट यही है कि सर प्लीज एसडीआई को या फिर उत्तर प्रदेश का सबसे वरिष्ठ वकील जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात रख सकता है, वहां पर हमारी बात को रखा जाए। अब तक स्टे हट गया होता, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह था स्टे ना हटने का कि हमारा पक्षी वहां नहीं रखा गया, हमको अनाथ कर दिया गया है। राजस्व पर्षद अपने हाथ खड़ा कर रहा है, आयोग अपने हाथ खड़ा कर रहा है। लचर पैरवी ही नहीं हुई है। हमें 8 जुलाई को हमें वकील चाहिए बस, अगली सुनवाई 8 जुलाई। और एसडी यादव जैसे भर्ती फंसाने वाली गैंग को भी जो है दंड देना चाहिए, क्योंकि वो 2013 में भर्ती फंसाए, 16 में भर्ती फंसाए, और लेखपाल जैसी भर्तियों को भी फंसा रहे हैं। वो बिजनेस चला रहा है, अपना केवल और केवल बिजनेस चला रहे, और यही कारण है सरकार को चुनावी नुकसान हुआ। और सरकार को इन चीज पर ध्यान देना चाहिए, राजस्व पर्षद और आयोग के अधिकारियों की कमियां ही है कि जो सरकार को भी झेलनी पड़ रही है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, लगभग 2025 अभ्यर्थियों की कॉल हुई है, और तमाम हजारों की तादाद में राजस्व परिषद में आज अभ्यर्थी इकट्ठे हुए। तमाम जो महिलाएं उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आई हैं मैम? हम सीतापुर से आए, और हमें नलिनी वर्मा तहसील, हमें बिस्वा मिला हुआ है। अच्छा। और हम यही चाहते हैं 8 जुलाई को हमारी सुनवाई है, उसमें वकील जो है वो सरकार की तरफ से पहुंचे और हमारा पक्ष अच्छे सर के पैर भी अच्छी तहसील आवंटित हो गई है। जी, तहसील आवंटित हो गई थी, सारा काम हो गया है, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, बस प्रक्रिया सारी पूरी हो गई, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, हमारी नियुक्ति नहीं हो रही। तो इससे पहले भी आप कहीं काम करते थे? क्योंकि तमाम अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो पहले ही सरकारी नौकरी में काम करते थे, उन्होंने वहाँ नौकरी छोड़ी, एनओसी ली, फिर यहाँ पे ज्वाइन करा, लेकिन अब यहाँ पे भी फंस गई है नियुक्ति। हाँ, बहुत से लोग हैं, लेकिन हमने कभी कहीं काम नहीं किया है। वहाँ हम लोग तहसील में पहुंचे, तहसील जिस दिन हमको हमसे योगदान आख्या ली गई, उस दिन वहाँ एसडीएम और तहसीलदार जी के द्वारा कहा गया, अगर आप भूतपूर्व किसी नौकरी में काम कर रहे हैं तो जब तक आप वहाँ से रिजाइन नहीं देंगे तब तक यहाँ हम ज्वाइन नहीं कराएंगे। आज लड़के बेहाल हैं, हमारे बीच में एक लड़का सूरत से आया है, वो बीपीएससी टीचर से रिजाइन करके उसे अपना परिवार चला रहा था, वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदारी ले रहा है ना सरकार हमारी जिम्मेदारी ले रही है, ना आयोग ले रहा है, ना राजस्व पर्षद ले रहा है। हम तो अंग राजस्व पर्षद के हैं ना, तो राजस्व पर्षद से अनुरोध है कि 8 जुलाई को हमें वकील चाहिए, हमें 8 जुलाई को मुक्ति दे दिया जाए कोर्ट केस। एक पॉइंट मुझे ये रखना है
कि इसमें सरकार और परिषद आयोग की पूरी मिलीभगत है, क्योंकि सर जब 8 या 9 अप्रैल की हियरिंग हुई तो वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल नहीं पहुँच पाए और वहाँ दलील ये दिया गया कि सर नहीं आए इसलिए हमको अगली हियरिंग डेट दिए जाए, और जब 29 अप्रैल को डेट दिया गया तो वहाँ पर सर फिर भी उनसे अनुपस्थित रहे, लेकिन उस दिन हियरिंग हुई उनके बावजूद भी, और उस दिन फिर हमारा डेट और आगे बढ़ गया और 8 और 29 अप्रैल के बीच में कम से कम 10 या 12 SLP नहीं पहुँची है। लेकिन उस टाइम हमारे आयोग का वकील और राजस्व पर्षद का वकील ही नहीं पहुंचा, तो स्टे कैसे हट जाएगा, वो स्वयं तैयार थे कि हम स्टे हटा देंगे। सर वो नहीं पहुंचे 29 तारीख को भी, 29 अप्रैल को भी नहीं पहुंचे, लेकिन उस दिन हियरिंग हुई है ना रहते हुए और उसी 30 दिनों में 20 दिनों में और नए केसेस गए वहाँ पे। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार लापरवाही ना करे, केस की पैरवी करे ताकि हम लोगों को ज्वाइनिंग मिले। कई तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले भी सरकारी नौकरी कर रहे थे लेकिन वो छोड़ के लेखपाल भर्ती में आए और उन्होंने NOC लिया है और आज जो है इनकी नियुक्ति जो है वो लटकी हुई है, उनसे भी बात करेंगे। मैं बिहार BPSC टीचर्स में सिलेक्टेड थी और वहाँ से मैं रिजाइन करके आई हूँ, और ये जो मेरी दोस्त है ये भी बिहार टीचर से रिजाइन करके आई है इस भर्ती के लिए, और अभी तक भर्ती क्लियर नहीं हुई और हमें ज्वाइनिंग भी नहीं मिली। कहाँ से आई, क्या नाम है? मेरा सुषमा पांडे। कहाँ से आई हैं आप? मैं बिहार BPSC से। हाँ जी टीचर। तहसील आवंटित हो गई थी आप? जी तहसील आवंटित है। तहसील कौन सी? सदर लखनऊ। सदर लखनऊ जी। तो क्या आप मांगे हैं? जिस तरीके से अभी तक तो राजस्व विभाग का रवैया आया है, कह रहे हैं कि पैरवी नहीं हो रही, लचर रवैया जो है वो सामने आ रहा है राजस्व विभाग का, क्या मांगे हैं आप? कि हमारी पैरवी अच्छी से की जाए, 8 जुलाई को दोबारा केस लगा हुआ उसमें SGI को उतारा जाए, या फिर कोई भी जो बड़ा वकील राजस्व परिषद अपने हिसाब से समझे हमारे केस के लिए उतारा जाए और हमारी नियुक्ति जल्दी कराई जाए। ठीक है मैम, क्या नाम है? जी मेरा नाम सपना गुप्ता है और मैं भी BPSC टीचर में सिलेक्टेड थी, वहाँ पे योगदान आख्या यहाँ पे दिया, हमारी तहसील हमें मिल गई थी, उसके बाद हमसे बोला गया कि आप रिजाइन करके आ जाइए, आपका योगदान हो चुका है। हमने दे दिया वहाँ पे रिजाइन, दे दिया तहसील भी मिल गई, जा भी रहे थे सिरौली गौसपुर बाराबंकी का ही है, उसके बाद हमसे रिजाइन भी ले लिया, उसके अब हम वहाँ टेक्निकल रिजाइन भी नहीं दे सकते, दोबारा वहाँ ज्वाइन भी नहीं कर सकते, यहाँ पे SLP लगा के स्टे कंटिन्यू करवा रहे हैं, भर्ती तो फंसा ही रखे हैं, ऊपर से सरकार अपना अच्छा सा SGI कोई भी वकील नहीं उतार रही है, अरे वहाँ भर्ती फंसाए हैं यहाँ पे, तो ये लोग अपना स्टे ही नहीं हटवा रहे हैं, या तो फिर आप मतलब स्टे नया है उस क्वेश्चन पे हार्ड लगा, मतलब क्वेश्चन आप लड़ते रहिए, आप स्टे हटवाइए हमें ज्वाइनिंग दीजिए, बाकी आप कोर्ट में लड़ते रहिए, कम से कम ये तो हो कि हाँ जी हाँ, मेरा कहना यही है आप कोर्ट में केस लड़िए पर स्टे हटवा के हमें हमारी नियुक्ति दे दीजिए। मेरा नाम जोगिंदर है, मैं अमरोहा से आया हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जॉब करता था जूनियर असिस्टेंट बस्ती में, तो वहाँ से रिजाइन वगैरह दिया है, जब इन्होंने अर्जेंट में रिजाइन मांगा, योगदान क्या देनी थी तो दिया है, अब पढ़े 5-6 महीने हो गए घर पढ़े, सामाजिक प्रताड़ना तुम्हें पता ही कैसे होती है, उसके बाद घर छोड़े, प्रेशर है, मेंटली प्रेशर, इकोनॉमी सारा कुछ गड़बड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से पैरवी अच्छे से नहीं हो रही, नहीं स्टे में टाइम नहीं लगता, सरकार ने पैरवी नहीं करी। क्या उम्मीदें हैं आपको विभाग से, क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो है, उम्मीद तो हर बार, पिछली बार भी आए थे, फिर पिछली बार भी उम्मीद थी कुछ मिल जाएगा। अच्छा एक चीज, एक बड़ा सवाल है, देखिए जो विभाग की गलती थी उसका असर साफ तौर पे अभ्यर्थियों के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को ये मांग भी होगी कि कोर्ट में केस चलता रहे, क्यों विभाग की गलती थी लेकिन अभ्यर्थियों के ऊपर इसका कोई असर ना हो। अभी 12,460 शिक्षक भर्ती में ये हलफनामा देकर इस बाबत हलफनामा दिया गया कि हमारे विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, कृपया करके अध्यापकों को जो है स्कूल आवंटित करके, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षाएं बाधित ना हो। क्या राजस्व परिषद में लेखपालों की कमी नहीं है? 30,000 लेखपालों की जरूरत है और वर्तमान में संख्या केवल 12,000 है, 4700 नए पद आने वाले हैं, किस लिए आ रहे हैं? 8,000 लोगों की कमी है, ये कमियां आम जनमानस को भी दोषी किसको माने? हम लोग राजस्व परिषद को ही दोषी माने, आम जनमानस को भी समस्याएं राजस्व परिषद की वजह से ही आ रही है। राजस्व परिषद हम लोगों की आवाज को सुप्रीम कोर्ट में रखे। ठीक है जी,
ये सर हमारे केस में जो पैरवी हुई है अभी तक बहुत ही ढीली हुई है। जब स्टे लगता है तब उस समय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट होते हैं, उनके प्रेजेंस में स्टे लगता है, उसके बाद भाई साहब कभी नहीं आए कि हमारा स्टे वैकेट हो जाए, जबकि जो गाइडलाइन थी उसको क्या मंशा लग रही है इसके हमारी मंशा कोई नहीं है। हम राजस्व परिषद की क्या मंशा लग रही है? राजस्व परिषद की मंशा नहीं है, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कृपया हम जैसे लेखपालों को जो है 300 करोड़ रुपए महीने की सैलरी बच रही है उनकी। हाँ एकदम 300 करोड़ रुपए महीने की सैलरी बची, 4 महीने की बच गई। जितने महीने बचाएंगे उतना पैसा बचा रहे हैं वो, और हमारे परिवार कैसे चल रहे उनको नहीं पता। कुछ लोग नौकरी छोड़ के बैठे हैं, कुछ लोग अब जब से हमारी ज्वाइनिंग हुई जब हम पढ़ रहे थे, अब हमें तैयारी नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, अब आराम से मजे मार रहे हैं। 300 करोड़ रुपए की सैलरी बच रही है, 300 करोड़ रुपए महीने सैलरी देनी पड़ेगी। मेरा यही मानना है अपराधियों का केस ईडी सीबीआई का केस सुना जा रहा है तो हम जैसे लोगों का कोई मतलब ही नहीं है, कहां जाएंगे सब। हमारा यही मतलब है कि कम से कम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आए और हमारे अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो दांव पे लगा हुआ है, दांव पे लगा हुआ है। 8000 अभ्यर्थियों का भविष्य, मेंटल प्रेशर है, घर का दबाव है, घर के लोग क्या कहते हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो कह रहे हैं भारत में निकलने में मुंह दिखाने, हर कोई पूछता है ड्यूटी नहीं गया आज, सब हर आदमी पूछता है, फोन करके पूछते हैं, सबको पता है कि इनकी केस चल रहा है, लेकिन सब पूछते हैं आज ड्यूटी नहीं गए क्या। अब वो मेंटली टॉर्चर होता है, रात भर नींद नहीं आती है, क्या करें, परेशान रहते हैं, कुछ किसी से कह ही नहीं सकते। आयोग का रवैया हमारी तरफ कुछ मानते नहीं हमें। हम बता रहे हैं कि जैसे आयोग की नियमावली है 2006 उसमें लिखा हुआ है कि जब योगदान आके लग जाती है, जब से हमारी ज्वाइनिंग हो गई नियुक्ति मानी जाएगी, सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसको भी नहीं मान रहे। और हम तो अभी उन्होंने अभ्यर्थी आपने जाहिर कर दिया, कायदे की बात बताइए। अब हम लेखपाल हैं और लेखपाल का मतलब हम राजस्व परिषद के सदस्य हैं, हम भी सदस्य हैं, तो उनको हमसे मिलने में दिक्कत क्या है भाई? हमारे मुखिया हैं वो, उनको हमसे मिलने में डर लग रहा है क्या? उनके कहीं डेलीगेशन गया है मिलने अंदर? डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, वही समझाएंगे। पिछली बार क्या क्या कुछ कार्रवाई हुई थी? देखो मैं बताऊं, जो खुले में नहीं मिलना चाह रहे हैं, अंदर मिलना चाह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है दिमाग में। सैलरी मिलेगी जिस दिन से आख्या दी है, और बाद में मुकर गए बात से अपनी से। अभी बताइए, जब वो बातें खुले में नहीं कर सकते, अकेले में करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 8 तारीख को जैसे ही कोर्ट से पैर भी कराएं मजबूत, स्टे हटवाने के तुरंत 8 दिन बाद हमें ज्वाइनिंग दें और हमें काम पे भेजें। सरकार पिछली 2 सुनवाई से अपने वकीलों को भी नहीं भेज रही है। हम यही चाहते हैं कि बड़े वकीलों को भेजे और हमारी अच्छे से पैरवी करवाएं। केवल सचिव साहब से नहीं, हम प्रदेश के मुखिया योगी जी से भी आग्रह करेंगे हमारे 8000 परिवारों पर एहसान करें। हम बिल्कुल मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, हमें जीने का मौका दें और हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दिलाएं। सर एक तो यूपी में भर्ती जल्दी से आती नहीं, किसी तरह पूरी हुई तो सर नियुक्ति अटक जाती है, सरकार भी उसमें जोर नहीं लगाती कि सैलरी बचे नियुक्ति में, जो जल्दी ना दिलवाए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजस्व परिषद के ऊपर, और तमाम जो महिला अभ्यर्थी उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि वो अलग अलग जिलों से आ जाई हैं, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी छोड़ के आए हैं या अच्छी जगह नौकरी कर रहे थे तो वो नौकरी से रिजाइन करके आए हैं, फिर एक बार भर्ती में उनको नौकरी मिली है। क्या नाम है, कहाँ से आई है? जी मेरा नाम मनीष है, मैं कानपुर से आई हूँ। कानपुर से आई है, आवंटित हो गई थी तहसील आपको? जी हाँ, हमको तहसील आवंटित हो गई थी, योगदान आख्या भी ले ली गई थी। 23 फरवरी को ये मोदी जी के हाथों काशी में मिलना था ज्वाइनिंग लेटर, और बाकी हम लोग को हमारे मंडल में मिलना था, बट बस एक दिन पहले ही 21 तारीख को आदेश आता है कि हमारी जो प्रोग्राम है कैंसिल हो गया, हमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। एक सवाल सीधा सा ये रहेगा, पहले भी आप जॉब करती रही होंगी, फिर एग्ज़ाम दिया होगा, फिर उसके बाद आप लोगों को आवंटित हुई थी तहसील, घर में खुशी होगी उस वक्त, और उसके बाद जब ये सब हुआ तो घर पे क्या कुछ माहौल था और आपके ऊपर कितना मेंटल प्रेशर है? जी मेंटल प्रेशर तो बहुत है, जब भी बाहर निकलते हैं, कहीं होली पड़ती है, दिवाली पड़ती है, घर पे कुछ फंक्शन पड़ता है, तो लोग यही पूछते हैं कि बेटा ज्वाइनिंग कब होगी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, तो हम क्या जवाब दें? हम कभी तक तो कह रहे थे कि आपका चयन हुआ था, उस वक्त घर का क्या माहौल था? काफ़ी खुश थे सब कि फाइनली इंडिपेंडेंट होना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो सब बहुत खुश थे, वही जो खुशी का माहौल था वो मातम में बदल गया। और क्या, कहाँ से आई मैम आप? क्या, कानपुर से। चयन के वक्त तो बहुत खुशी थी, लेकिन अब ये सब हो गया तो घर वाले भी अब कहीं ना कहीं नाखुश होंगे या कुछ कहते ही होंगे? हाँ बोलते तो हैं, लेकिन उनको ये पता है कि कोर्ट केस है तो टाइम लग रहा है, लेकिन ये भी कि सरकार की भी गलती है इसमें, वो अच्छे से पैरवी नहीं कर रही है हमारी। अगर वो SGI वगैरह को भेज के हमारी अच्छे से पैरवी कराए तो जल्दी मामला बस निपट सकता है। ठीक है, देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं मायूसी है कि राजस्व परिषद की तरफ से और जो सरकारी वकील हैं उनकी तरफ से इन अभ्यर्थियों को अनदेखा करा जा रहा है, और इन 8000 लगभग जो 8000 अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य जो है वो अंधकार में नज़र आ रहा है। इनका
कहना है कि एक मजबूत पैरवी होनी चाहिए और ये जो लचर रवैया है राजस्व विभाग की तरफ से, राजस्व परिषद की तरफ से, उसको दूर करना चाहिए, एक अच्छा वकील नियुक्त करना चाहिए और 8 जुलाई को जो केस लगा है उसके लिए मजबूती से हमारा पक्ष पेश करना चाहिए। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शाम खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।